What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो इंस्टाग्राम पर दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वायरल है और ये साउंड भी बहुत ज़्यादा वायरल है दोस्तों। इस वीडियो पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसा वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों कुछ अलग अलग हिसाब से अपने वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों आपने जो स्टार्टिंग में इस भाई का वीडियो देखा, ये मुझे मस्त लगा दोस्तों। शेक इफेक्ट के साथ में ये वीडियो है और यहाँ पर दोस्तों अगर आप बैकग्राउंड को भी अगर आप मस्त बनाना चाहते हो, अलग अपने वीडियो में बैकग्राउंड लगाना चाहते हो बगैर किसी ग्रीन स्क्रीन के, तो वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। दो तीन स्टेप ऐसे हैं दोस्तों, उसको आपको फॉलो करना है वीडियो, बस आपको पूरा देखना। आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है आप भी इस तरीके का वीडियो बहुत ही आसान तरीके में बना सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो मैंने जो यहाँ पर कैपकट को ओपन कर रखा है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हो चाबी का ऑप्शन है टर्बो वीपीएन, चाहिए कोई सा भी वीपीएन हो और कैपकट को ओपन कर लेना है। कैपकट का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। अब दोस्तों सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट पर टिक कर देना है और इसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड करना है। आपका वीडियो कैसा भी हो, कुछ बैकग्राउंड है तो मैं आपको टेलीग्राम में शो कर दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई सा भी बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर थोड़े से बैकग्राउंड है, 5 से 7 बैकग्राउंड ऐसे हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पर मेरे पास ये 5 बैकग्राउंड है दोस्तों, ये वाले। ठीक है, इनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना दोस्तों, ये नीचे स्क्रॉल करोगे फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसको दोस्तों दोनों फिंगर टैप करके इस तरह से फुल स्क्रीन जूम कर लेना है। हिस्सा आप जो भी रखना चाहो दोस्तों वो रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड पर टिक करके इसकी ड्यूरेशन एक बार इतनी बढ़ा लेते हैं और एंड में आएगा वाटरमार्क, इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर आ जाना आपको स्टार्ट में। ठीक है, अब नीचे आपको ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, एड ओवरले का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दो वीडियो मैंने दो भागों में शूट किए हैं दोस्तों, आप देख सकते हो इनमें बैकग्राउंड कुछ अलग अलग है, तो इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप यूज़ कर लेना बैकग्राउंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, देख सकते हो ये फर्स्ट पार्ट है। पहले तो सॉरी दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो दो वीडियो मैंने जो शूट किया दो भाग में, इन दोनों को देख लेना दोस्तों। मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया, मैंने एक शर्ट चेंज किया है, एक मास्क को हटा दिया है। इस हिसाब से आप अपना अपने वाला वीडियो जो है आप अपने हिसाब से शूट कर लेना। ये फर्स्ट स्टेप वाला वीडियो है, तो इसको हम इतने रखेंगे दोस्तों, जैसे हाथ हमारे दो उंगली के हिसाब से आगे आते हैं उसे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्लिप का ऑप्शन मिल जाएगा कैंची वाला, इस पर टिक कर लेना है और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, आगे वाला भाग जो है हमें डिलीट कर लेना है। और आपको नीचे ऐड ओवरले का ऑप्शन मिल जाएगा और वो सेकेंड आपका जो वीडियो है उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पार्ट मैं रखूँगा, आगे का जो स्टेप है मेरा वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो मैं इसको रख लूँगा। यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से स्लिप पर रख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, इस भाग पर टिक करना है फिर से और इसको कर लेना है डिलीट। ठीक है, इस तरह से आपको इसको भी आगे ले आना है और जो हमारा ये वाला पार्ट है इसके हिसाब से आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो ये पार्ट दोनों हमारे सेट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर ना हो तो आपको एक बार क्या करना है, पहले तो इसका म्यूजिक आएगा वो यहाँ पर बंद कर लेना, दोनों का म्यूजिक आएगा दोस्तों तो दोनों का पहले बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चला के देख लेना कि हमारा पार्ट जो है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसकी एंड ड्यूरेशन पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ से टिक करना और बैकग्राउंड पर टिक करना, कैंची पर टिक करना और इसको कर लेना है डिलीट, इतने वीडियो जितने रखना है। अब क्या करना है, इन दोनों पर टिक लेना है वीडियो, दोनों क्लिप हमारी है। और रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पर टिक कर लेना, 100% हो जाएगा दोस्तों आप देख सकते हो। और दोनों भाग को इसी तरह से आपको रिमूव कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हो इतना काम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब शेक इफेक्ट वो यूज़ करना है, तो पहले तो क्या करना दोस्तों, सॉरी मैं यहाँ पर जूम करना भूल गया, तो इन दोनों क्लिपों को आपको पहले जूम कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर करने लेना है पहले एक्सपोर्ट इस भाग को। यहाँ पर आपको क्या करना, फिर से एक बैक आ जाना है, स्टार्ट ड्यूरेशन पर आ जाना है, फिर से न्यू प्रोजेक्ट पर टिक कर लेना और आपको वो वीडियो जो है यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देख लेना, जैसे हम हमारे हाथ को आगे की ओर लाते हैं उस हिसाब से इस ड्यूरेशन पर आके वीडियो पर टिक कर लेना और दो भाग कर लेना। अब यहाँ पर क्या करना, हल्का सा आपको बैक आना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आने के बाद दोस्तों इफेक्ट पर टिक कर लेना, वीडियो इफेक्ट पर टिक कर लेना। और यहाँ पर आपको याद रखना दोस्तों कि वो वीपीएन है कनेक्टिंग होना चाहिए, वरना आपका ये बेसिक वाला इफेक्ट नहीं दिखाएगा। बेसिक आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो शेक का इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, राइट पर कर लेना है, अभी शेक को आपको इतना ही रखना है। ठीक है,
तो क्या करते हैं, इस पर टिक करते हैं और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कम, इतना ही रखेंगे। अब हमारा जो ये वाला भाग है इसको हम स्लोमो देंगे, तो यहाँ से हम स्लोमो दे देंगे। यहाँ पर दो भाग कर लेते हैं और इस वाले भाग पर टिक करते हैं और स्पीड पर टिक कर लेते हैं, नॉर्मल पर टिक कर लेते हैं। इसको इस तरह से जो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्लोमो दे लेते हैं और राइट पर टिक कर लेते हैं। पहले आपको म्यूजिक ऐड कर लेना, उसके हिसाब से स्लोमो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पर पहले कर लिया, तो एक बैग आ जाते हैं, यहाँ पर ऑडियो पर टिक कर लेते हैं और एक्सटेंट पर टिक कर लेते हैं और इस वाली वीडियो को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। म्यूजिक के हिसाब से थोड़ा कम ही हुआ है तो और कर लेते हैं, स्पीड पर टिक करके, नॉर्मल पर टिक करके यहाँ पर थोड़ा और कर लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है म्यूजिक के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर हम इतना ही रखेंगे। अब आपको क्या करना दोस्तों, जैसे हमारा ये वाला भाग आता है शेक के बाद में, यहाँ पर आ जाना है, एक बैक आके फिर से इफेक्ट पर टिक कर लेना, वीडियो इफेक्ट पर टिक कर लेना और आपको यहाँ पर मोड में चले जाना है। अब यहाँ पर आप दोस्तों नीचे स्क्रॉल करोगे तो वो आपको इफेक्ट आप देख सकते हो, शॉर्ट ऑफ लाइट, ठीक है। ये वाला इफेक्ट आपको यहाँ पर यूज़ कर लेना है। तो म्यूजिक मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, तो अब आप देख सकते हो ये वाला इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। आपका वीडियो यहाँ पर कम्प्लीटली बन चुका है, राइट पर टिक कर लेना और इन आप देख सकते हो दो बार ये इफेक्ट यूज़ हो गया, एक को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस एरो पर टिक करके आपको वीडियो को कर लेना शेव। आपका वीडियो कंप्लीट बन चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।